नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हम लाउड फार्मर शो में हैं और हमारे साथ देश के दो स्टार जर्नलिस्ट अभी साथ रहने वाले हैं। अशोक वानखेड़े जी स्क्रीन पे आपके सामने हैं, देश के स्टार जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही निर्भीक और बेबाक पत्रकार हैं और साफ बोलने, साफ विश्लेषण करने वाले हैं। वेंकटेश केसरी जी अभी हमको ज्वाइन करेंगे 5 मिनट के भीतर और उनसे तब बात करेंगे। पर अशोक जी, किसान आंदोलन को सारी दुनिया देख रही है, बहुत सारे विदेशी मीडिया यहाँ पर है, हमारे देश के लोग भी इसको देख रहे हैं। हालांकि टेलीविजन इसको कम दिखा रहा है, टेलीविजन वही हिस्से दिखा रहा है जो हिस्से उसे सूट करते हैं, क्योंकि टेलीविजन न्यूज चैनल एक तरीके से एक पक्षीय हो गए हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आपकी जानकारी क्या है? ये जो अभी किसान आंदोलन के नाम के ऊपर जो पुलिस का हमला है, लाठीचार्ज है, कह रहे हैं पुलिसकर्मी नहंगों ने तलवार चलाने की कोशिश की और हर जगह उन्होंने लाठीचार्ज और आंसू पेश छोड़े, आपका क्या इसके ऊपर जानकारी क्या है? देखिए, एक बात तो संतोष जी बहुत सही है। मैं पहले दर्शकों को ये बता दूं कि मैं और वेंकटेश केसरी हम पत्रकार जरूर है, लेकिन हमसे वरिष्ठ संतोष जी आप हैं, तो वो वरिष्ठ का क्रम हमेशा रहेगा। और धन्यवाद, आपने कहा कि हम दोनों बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम आप ही से पत्रकारिता सीखे हैं संतोष जी। लेकिन जो किसानों का जो आंदोलन है, ये पूरा तरीके से वन साइडेड रिपोर्टिंग हो रहा है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास करके टेलीविजन चैनल्स की बात करें, तो ये सिंगल हैंडेडली एंटी फार्मर्स, प्रो गवर्नमेंट आंदोलन है। सोशल मीडिया में बहुत एक सेक्शन है जो लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, लेकिन किसानों ने भी अब इस बात को तय कर लिया है कि ना मीडिया के भरोसे रहेंगे, ना किसी के भरोसे रहेंगे, वो अपने एकता के भरोसे है। उन्होंने अपना खुद सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल चालू किया है और कई पोर्टल्स है, लाउड इंडिया टीवी जैसे, जो हमेशा सच्चाई सामने लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसके लिए आप और हम लगातार देशद्रोही करार किए जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी चिंता नहीं करते, क्योंकि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो उस श्रेणी में हम उनको रखते हैं। तो हम लगातार सच्चाई के साथ देने का प्रयास करते हैं। ये आंदोलन बहुत शांतता प्रिय चल रहा था। खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश से जो किसान अंदर आ रहे थे, वहां कहीं लाठीचार्ज हो गया, वहां कहीं आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है, ऐसी खबरें हैं। कुछ मैंने भी जानकारी लेने का प्रयास किया है, लेकिन जो आंदोलन चल रहा था पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पे, जो लगातार किसान, जो किसान संगठनों से सरकार भी बातचीत कर रही थी, जिस किसान संगठनों ने से पुलिस ने बातचीत करके 26 जनवरी को जिनको एक रैली का एक रूट मैप दे दिया था और उस रूट पे उनकी रैलियां निकल चुकी थी, वो शांति प्रिय है। मुझे थोड़ा डाउट इसमें ये भी है, और मैं हिचको मुझे कोई हिचक नहीं होगी कहने में, क्योंकि ये गाजीपुर और इस एरिया से आया है, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये हिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत बताई जा रही है। यदि इसमें वो वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो, तो मैं इसमें रूल आउट नहीं करता, क्योंकि लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसक हो। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंसा का एक कोट अनकोट में हिंसा के बारे में थोड़ा सा डर व्यक्त किया था। तो ये जो डर है, इसको सच्चाई में बदल के, इसका फोकस बदलने का प्रयास सरकार कर सकती है, क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो अक्सर हमने लगातार वो चेंज करते हुए देखा है, फोकस चेंज करती है। जब किसान कोई आंदोलन करेंगे तो आप पूरा फोकस दूसरी तरफ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार ये आंदोलन अटक गया है। किसान तय कर चुके हैं, किसान जब जब सरकार बुलाती है बातचीत के लिए भी आती है, किसान ने सर्वोच्च न्यायालय में किसान को बुलाया, वह भी चली गई है। किसान उस गवर्नमेंट के सारे रास्ते जो है, जो गवर्नमेंट ने खोले हैं, वहां जाने को तैयार है, लेकिन अपनी मांग पर भी अड़िग है कि ये कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। इस मांग ने सरकार को अब इतनी बुरी तरह स्थिति में फंसा दिया है कि सरकार को या तो ये कानून वापस लेने पड़ेंगे या इनको लगातार 2024 के बाद तक के लिए रखना पड़ेगा। और एमएसपी को लेके सरकार आज भी आश्वस्त नहीं है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, कॉमन, बहुत ही छोटे, कोई भी साधारण सा आदमी भी बता सकता है, यदि सरकार बार बार ये कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी,
तो जब ये थी रहेगी भविष्य भूतकाल में जब आप डांस करते हो शब्दों के साथ, तो इसको कानूनी जामा पहनाने में क्या प्रॉब्लम है? यदि सरकार इतनी हितैषी है किसानों की, तो एमएसपी जो सरकार स्वयं घोषित करती है, सरकार स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध है कि वो उस रेट पे किसानों से खरीदे यदि मार्केट में कीमत कम होती है तो। ऐसे में इसको कानूनी जामा पहनाने का सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसका जवाब आज तक ना भारतीय जनता पार्टी, ना एनडीए का कोई घटक, ना सरकार का कोई मंत्री दे पाया। यही प्रश्न है जो लगातार इस बात को इंगित करता है कि एमएसपी को लीगलाइज करते ही कारपोरेट सेक्टर का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो फिर सरकार कारपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही है कि किसानों के लिए काम कर रही है? ये दूसरे प्रश्न का जन्म होता है जिसके बारे में सभी मौन। अशोक जी, यही सवाल किसानों के मन में है और उनके मन में ये बिल्कुल साफ है कि इस समय इस देश की सबसे बड़ी वेल्थ जमीन है और वो जमीन किसान चाहती है, जबकि जैसे रेलवे बिक गई, पेट्रोलियम कंपनियां बिक गई, कोयला बिक गया, भारत सरकार के जितने हवाई जहाज बिक रहे बिक गए, रूट्स बिक गए, ट्रेनें बिक गई जो चल रही हैं, पैसे वालों की ट्रेनें चल रही हैं, गरीबों की ट्रेनें इस समय नहीं चल रही जो हम आंख से देख रहे हैं। मैं इसी चीज को आपके माध्यम से और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि किसान जिस चीज को समझ गया है उस चीज को सरकार जानबूझ के क्यों नहीं समझना चाहती, और किसान ये बार बार कह रहा है कि ये कैसे हो गया कि कानून तो आया एक साल के बाद, लेकिन उस एक साल में देश में अडानी साहब के गोडाउन बन गए ताप नियंत्रित, मुकेश अंबानी खुदरा बाजार में आ गए, इन दोनों के बीच में जो देश का सारा अन्न उत्पादन से लेके और बिक्री तक का बांटने की कोशिश हो रही है, इसमें सरकार का कितना हाथ है? किसानों को तो ये भरोसा है कि इसमें सरकार का हाथ है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम हमको कानून बना के दो, हमको कहानी मत सुनाओ कि हम चिट्ठी लिख के आपको दे देंगे। जिस चीज को किसान समझ गया, और पहली बार ऐसा हुआ है, अशोक जी एक आखिरी सेंटेंस आपसे सवाल आपकी टिप्पणी जी, कि पहली बार हुआ है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक का किसान एमएसपी को लेकर के बिल्कुल साफ है कि ये कानून चाहिए। बिहार जहां की ये चिंगारी नहीं लगी थी, वहां भी किसान खुलेआम अब कहने लगा है कि ये तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो एमएसपी हट गई, मंडी हट गई, सब हट गई, हमारा तो धान जी कौड़ियों के भाव जा रहा है, हमारी फसल कौड़ियों के भाव जा रही है और हम तो भूखों मर रहे हैं इसी की वजह से, लेकिन अब वो भी इस आंदोलन के साथ खड़ा हो गया है। आपके पास जो जानकारी है महाराष्ट्र की या दक्षिण भारत की, मेरी जानकारी तो ये है कि महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह यही उफान है जैसा यहाँ देखा जा रहा है। देखिए संतोष जी, सवाल ये है कि हमारे यहाँ जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो हम ये बार बार ये सोचते थे कि एक पर्टिकुलर पार्टी को जब मेजोरिटी मिलती है तो उसका शासन होता है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट के खिलाफ हम लगातार रहते हैं क्योंकि फिर वो मिली जुली सरकारें काम नहीं कर पाती। लेकिन एक बात तो समझ में आती है, चाहे इंदिरा गांधी का शासन पकड़ लिया या वर्तमान सरकार पकड़ लीजिए, यदि आपको जरूरत से ज्यादा मेजोरिटी मिलती है तो आप वो निरंकुश हाथी हो जाते हैं जो अपने मर्जी से चलता है, चाहे जो उसके पैरों के नीचे आए उसे कुचलते हुए निकलता है। यही कुछ हो रहा है 2014 से, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी के पांच फॉर्मेट हो, चाहे चाइना का इशू हो, चाहे पुलवामा, तो अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि व्हाट्सएप चैट ने तो सबको नंगा कर दिया। ये तमाम चीजें जब सामने आती है तब लगता है तो क्या कोई एक अपने सोच के हिसाब से ही देश चला रहा है कि देश को क्या चाहिए ये सोच के देश चला रहा है? ये दो अलग अलग बातें। मन की बात करना ये बात अपने जगह पे है, लेकिन जन क्या चाहता है वो मन की बात से आए तो समझ में आता है। यदि अपने ही मन की बात जन पर थोपने जाओगे तो कहीं ना कहीं चिंगारी उठेगी। जब प्रेशर कुकर में ज्यादा प्रेशर होता है तो प्रेशर कुकर फटता है, ये है, क्योंकि आपके यहाँ एक सेफ्टी वॉल होता है प्रेशर कुकर को जो बचाता है। इस वर्तमान सरकार में 2014 से कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। सेफ्टी वॉल के मायने होते हैं एक अंकुश होता है, कोई ऐसे एनडीए के घटक दल है जो सरकार को समझाए, या मेजोरिटी ऐसी होती है कि सरकार तीन बार सोचती है कि यदि लोग चले गए तो क्या होगा। किसान का बिल, जो तीनों बिल थे, ये राज्यसभा में सरकार जानती थी कि उनके पास मेजोरिटी नहीं। आश्चर्य की बात है कि जो सरकार किसानों को बोलती है कि हम 1.5 साल के लिए ये कानून डेफर कर देंगे,
वो पार्लियामेंट में जाए कानून बनते हैं, वहां 1.5 घंटा भी नहीं देते, 1 घंटे में 3 कानून प्रेजेंट होते हैं, उसी में चर्चा होनी है और उसी में पास होना है। वॉइस वोट से कानून पास होते हैं। वॉइस वोट से मतलब क्या है? वॉइस वोट से तब होता है जब आपके पास ट्रिमेंडस मेजोरिटी हो, वो डिवीजन नहीं होता और बोला जाता है कि ये विपक्ष ने नहीं होने दिया। सदन चलाने का काम सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं। ऐसे में फिर आता है जब आपको पास 370 जैसी इशू पे जब आपने राज्यसभा में बिल पेश किया, क्योंकि आपको विश्वास था कि राज्यसभा में आपके पास मेजोरिटी है, लेकिन इसमें आप जानते थे कि कोई जो मित्र दल है, जो एनडीए के घटक दल है, और जो बाहर के मित्र दल है जो लगातार राज्यसभा में आपको बैसाखी लगाते हैं, वो भी इस बार किसान के इश्यू पे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं जमाखोरी ये ऐसा एक कीड़ा है समाज में जो हमेशा इन्फ्लेशन प्राइस, जब जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब तक वो महंगी होती है, क्योंकि जमाखोर उसको जमा करके बैठते हैं। ये मानव टेंडेंसी, ये ह्यूमन व्यापार है। इसको आपने जमाखोरी को आपने खुली छूट दे दी, स्टॉक लिमिट खत्म कर। आप ये कहते हैं कि किसान कहीं पे भी कहा किसी को भी माल बेचने को तैयार है। अरे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जनाब, हर देश मतलब जयपुर या मुंबई पुणे हाईवे नहीं है एक्सप्रेसवे, देश मतलब जयपुर दिल्ली हाईवे नहीं है, उसमें भी आज 5 घंटे लगते। अगर एक गांव है 5 एकड़ होल्डिंग, देखिए 5 से 10 एकड़ की होल्डिंग है 98% किसानों की, वो गरीब किसान 2 ट्रॉली में अपना पूरी उपज लेके कहां जाएगा केरल बेचने? क्या व्यवस्था है आपके पास? नासिक से बिहार ट्रेन चालू करने के मायने ये नहीं है कि पूरे देश में आपने ट्रेन का जाला बिछा दिया है कि कोई किसान तमिलनाडु का किसान कल कलकत्ता में अपना माल बेच, नहीं होता। ये कागजों पर ठीक लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है। किसान की वो प्रॉब्लम है। आप एमएसपी का नाम लेते, आप कहते हो कि सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा गया पंजाब में, देखो कितना चावल खरीदा गया है हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में 12 लाख टन चावल सरकार के मत्थे पड़ा हुआ है, क्योंकि पीडीएस में कुछ गया, कुछ एफसीआई ने खरीदा, 65 लाख टन एसपीआई को खरीदना था, नहीं खरीद पाई, नहीं है पैसा सरकार के पास। महाराष्ट्र में केसरी जी है, केसरी जी को पूछिए। पूरे विदर्भ में पिछली बार अरहर के क्या हाल हुए? किसान क्या करेगा? किसान के पास और कुछ नहीं है। ये जो 6,000 रुपए का आप लॉलीपॉप देते हैं या 6,000 रुपए का जो बिस्किट डालते हैं, 6,000 रुपए में क्या होता है? प्रधानमंत्री को मैं आह्वान करता हूं, 6,000 रुपए में 1 महीने का खाना खा के दिखाई मुझे। आप उनको साल में 6,000 रुपए देते हैं 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में, और आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। किसानों को सब्सिडाइज गिनती हो आप, इसमें सब्सिडी दी, उसमें सब्सिडी दी, उसने सब्सिडी दी। ये किसानी है इस देश में जो लॉस का धंधा करता है। टाटा भी बहुत बड़ी कंपनी थी, नागपुर का एम्प्रेस मिल बंद कर दिया उन्होंने जब लॉस में जाता है। अंबानी ने कई कंपनियां बंद कर दी क्योंकि लॉस में जा रही थी। किसान ही क्यों लॉस का धंधा करें? क्योंकि किसान अपनी खेती करता है तो वो सामाजिक दायित्व समझता है। क्या हमारे उद्योगपति सामाजिक दायित्व समझते हैं? सीएसआर फंड के नाम से कुछ परसेंटेज का फंड अपने ही पत्नियों के कंपनियों में एनजीओ में चला के आपको सस्ता है कि आपने बहुत बड़ा एनजीओ का काम कर दिया, आपने बहुत बड़ा सामाजिक काम कर दिया। सही मायने में सामाजिक काम करता है तो किसान करता है, लॉस खा के वो लोगों के पेट भरता है। लोग कहते किसान मूर्ख है क्या लॉस में काम करता है? अरे किसान बन के देखिए तो पता पड़ता है कि किसान के खंधे पे बोझ अपने परिवार का नहीं देश के परिवार का होता है। ये कोई नहीं सोचता। एयर कंडीशन में चेंबर में बैठ के जिन्होंने कभी खेती में हाथ नहीं लगाया वो लोग खेती के कानून पे बात करते हैं। आज पंजाब की जो बॉर्डर पे किसान बैठे उन्होंने खुला आह्वान किया है उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उन प्रवक्ताओं को, उन चैनल वालों को, जाइए 2 साल तक हम देते हमारी खेती करके दिखाइए, खेती प्रॉफिट में करके दिखाइए। एक दो उदाहरण प्रॉफिट के खेती के ला के आप उसको पूरे खेत पूरे देश भर बांट सकते। ऐसे असंख्य इश्यूज हैं और इसीलिए सरकार के पास इसका पूरा जो मैं बार बार बोल रहा हूं ये जो मेरे इसका जो रूट कॉज है वो है सरकार के पास पैसा नहीं। सरकार एमएसपी से हाथ छोड़ना चाहती है, इसके लिए ये 3 कानून लाए का मिनिमम एमएसपी का लोड सरकार पे पड़े। लेकिन एमएसपी सरकार ने बोली तो सरकार का दायित्व है, उसके लिए आप अलग अलग रास्ते नहीं खोल सकते। और यदि आप समझते हो कि किसान मूर्ख है इस देश का तो नहीं, इस देश का किसान सहनशील है, बहुत सहन करता है। लेकिन जब विद्रोह उतर आता है
तो फिर वो आपको पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे दिख गया है, नासिक से मुंबई तक चलते हुए किसान आए, मुंबई में जो कल किसानों का प्रदर्शन हुआ वो दिखता है। उत्तर प्रदेश के किसान बिना ट्रैक्टर का पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा उसके बाद भी रस्ते पे है, ये दिखाई देता है। आप चाहते क्या है? शहादत, शहादत कितनी चाहिए? 70 से ज्यादा किसान मर चुके हैं ठंड से, हर जगह शहादत ही चाहिए। चाइना को आपको समझने के लिए वहां पे जब तक 23 के लोगों की शहादत नहीं हुई तब तक आपको चाइना समझ में नहीं आया, अंदर आ रहा है। पुलवामा में जब तक 40 लोगों की शहादत नहीं हुई तब तक आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि वहां क्या चल रहे हैं। किसानों के 70 लोगों की शहादत हुई, कितना नंबर चाहिए अभी इस सरकार को? ये सरकार भगवान जो है कितना बलि और मांगेगा किसानों की, तब जाके बोलेगा कि हाँ हमसे गलती हो गई है, किसान ये कानून हम वापस ले रहे हैं। कब? सवाल ये है। मुझे मुझे ये कहते हुए दर्शकों से कोई संकोच नहीं होता कि हमारे साथ जो दो स्टार जर्नलिस्ट हैं ये असली पत्रकारिता, असली पत्रकारिता के सच्चे चेहरे हैं। वेंकटेश जी से आपका हम परिचय कराते हैं। वेंकटेश जी, जो अभी आपका इंटरनेट या कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, हम पूरा हिंदुस्तान डिजिटल हो गया है लेकिन हम दो लोग आपस में इंटरनेट पे बात नहीं कर पा रहे हैं, एक कॉल पूरी नहीं होती है। अशोक जी अभी जिस बात को जो विश्लेषण कर रहे थे आपने उसकी झलकियां सुनी, आपकी समझ में सारी बात आ गई होगी कि सारे देश में पहली बार किसानों के बीच में कोई एक संगठन न होते हुए भी किसानों में बात पहुंच गई कि क्यों हमें आंदोलन करना है। तो वो जो तोड़ने के हथियार थे, हिंदू है, मुसलमान है, पाकिस्तान है, खालिस्तान है, ये सब भी भोथरे हो गए। किसानों के बीच में इसका कोई असर नहीं हुआ। किसानों को एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये तीनों कानून रद्द करो और फिर हमसे बातचीत करके कानून बनाओ और MSP का कानून लेके आओ, जो मोटे तौर पर अशोक जी भी कह रहे थे। आपके इसके बारे में क्या जानकारी है और क्या टिप्पणी? संतोष है कि मैं इसके मेरिट, कानून अच्छा है या बुरा है, लेकिन सवाल आज तक का जो पॉलिटिकल करियर रहा है, जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे 12-13 साल और 7 साल से जो प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने कभी ऐसे एजिटेशन को हैंडल नहीं किया। देखो, कम्युनल राइट्स को हैंडल करना डिफरेंट है, एजिटेशन को हैंडल करना डिफरेंट है। तो वो डेढ़ स्टेट का है, हरियाणा का है, फिर बाद में कहा कि पूरे देश के किसान नहीं है, फिर कहा कि खलिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइना से हेल्प हो रहा है, फिर कहा लंगर मिल रहा है, खाने को मिल रहा है। लेकिन मोदी जी अपने बिल के समर्थन के लिए बीजेपी किसान को सड़क पे नहीं ला पाए, या उनको डेमोन्स्ट्रेशन जो पूरा देश उनके साथ में है, ये अभी तक ये उनकी मजबूरी और कहीं ना कहीं ये मैसेज के अंदर फंस गए हैं। कानून, तीन लॉ अच्छे हैं बुरे हैं, इसके बारे में निकल चुकी है। आप देखिए, जो सेशन पार्लियामेंट में अपोजिशन, अशोक जी इंटरनेट समस्या पैदा कर रहा है, बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा, वेंकटेश जी से कहें कि वो उसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करें, तब शायद आवाज आए। क्योंकि पर मैं अशोक जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश की सर्वोच्च शक्ति जिस पद में है वो प्रधानमंत्री जी के पास है। प्रधानमंत्री जी ने बनारस में ये बहुत गर्व से घोषणा की कि हमने स्वामीनाथन कमीशन को लागू कर दिया। बनारस में उन्होंने ये घोषणा की जब गए थे पिछली बार कि हमने स्वामीनाथन कमीशन को लागू कर दिया, और ये कानून तो इतने अच्छे हैं, किसानों के पक्ष में हैं, उनके हित में हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सारे देश में अफवाह फैला रहे हैं, कंफ्यूजन कर रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं। ये कौन सी ताकतें हैं जिसका इशारा प्रधानमंत्री जी ने किया
और स्वामीनाथन कमीशन कैसे लागू हो गया, इन दो सवालों के ऊपर, तीसरे सवाल के ऊपर कि हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बार बार कह रहे हैं कोई अदृश्य ताकत है जो समझौता नहीं होने देती। ये बयान के प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री के मुंह से आते हैं तो चिंताएं होती हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दो व्यक्ति सच्चाई बोल रहे हैं या सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं या सच्चाई से अलग अपनी सच्चाई बोल रहे हैं जो देश की सच्चाई। देखिए, मुझे याद है कि जब नेपाल में भूकंप हुआ था तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेपाल में भूकंप होने की सूचना मेरे पास आई है। तब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उनके पास भी सूचना नहीं थी। तो नेपाल का भूकंप हमको पता पड़ता है, पाकिस्तान में जो कैंप चल रहे हैं उनका हमको पता पड़ता है, 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेगी ऐसे बड़े भविष्यवेत्ता हम हैं, लेकिन वो अदृश्य शक्ति कौन है ये बता नहीं पाते। एक तरफ आप बार बार ये कहते हो कि इस देश में विपक्ष नहीं है, बताइए विपक्ष नहीं के बराबर है, कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है, कांग्रेस मुक्त की भारत की जो हम संकल्पना लेके चल रहे हैं वो कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। आप एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत होने की बात करते हैं, एक तरफ आप कांग्रेस का अस्तित्व क्या है और कांग्रेस का वजूद क्या है, विपक्ष का वजूद क्या है इस पर सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि विपक्ष है जो इनको काम इनको संगठित करके बैठा है। तो आप मानिए विपक्ष की इतनी बड़ी ताकत है इस देश में कि उसने सरकार को नाक को चने चबा दिए है, या मानिए विपक्ष नहीं है, आप अपने सुविधा के हिसाब से किसी का भी ठिकरा किसी के भी सर पे मत फोड़िए। अफवाह फैलाने का काम इस देश में आजादी से आज बाद से आज तक कौन करता आ रहा है ये इस देश को समझाने की जरूरत नहीं। इसमें अफवाह क्या है, अफवाह जो कहते हैं किसान कि हमको MSP चाहिए कानूनन तौर पे, इसमें अफवाह क्या है। आप कहते हो कि MSP है, MSP रहेगी, MSP आने वाले अभी भी थी, ये आप कहते हो, इसमें भी अफवाह नहीं है। आप एक बात कहते हो, सरकार किसान एक बात कहता है, किसान ये कहता है कि जो ये आप कह रहे हो इसको कानूनी जमा क्यों नहीं पहनाते। यदि कल आपने मुझे कहा कि आप मेरे अखबार में ज्वाइन कर लीजिए तो मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर तो मांगूंगा ना, लेकिन आप हमेशा कहिए कि अशोक जी हमारे थे, अशोक जी हमारे हैं, अशोक जी हमारे रहेंगे, और काम करो आप। मैं तो पूछूंगा अपॉइंटमेंट लेटर तो देंगे ना सर, बिना अपॉइंटमेंट लेटर का मैं कैसा काम करूंगा। वैसे किसान पूछ रहा है पहले है पहले था पहले नहीं है, बोलने से काम नहीं होता ना सर, ये जुमलेबाजी बहुत अच्छी हो गई, ये बोलने में रैलियों के भाषण में ये जुमले अच्छे लगते हैं, यथार्थ के धरातल पे जब आप कोई काम करते हैं तो आपको उसको प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ती। स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू की, कैसी लागू की, किसके हित में लागू की, क्या किसान संगठनों को आपने कभी विश्वास में लिया ये तीनों कानून पारित करने के पहले? नहीं किया, क्योंकि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो एक हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया, तोमर साहब का, पेज 1 पे छपा, बिल्कुल फ्रंट बैनर। उसमें पहला ही प्रश्न था कि कितने किसान संगठनों को आपने विश्वास में लिया था कानून पारित करने के पहले, इसमें उन्होंने नो कमेंट कहा, बोलने से मना कर। आप किसानों के लिए कानून बनाएंगे, किसानों को पूछेंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कानून किसानों के लिए है नहीं, ये कानून किसानों के नाम पे बने हैं लेकिन उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, और जिनके लिए है उनको पूछा गया था, उनकी अनुशंसा पे ये कानून बने हैं, और जिसका फायदा उनको होगा ये आप दिखाई देते हैं, जैसे आपने कहा कि इतने बड़े बड़े साइलोस बने हैं, जो काम सरकार का था वो बाहर प्राइवेट सेक्टर क्यों कर रही है, सरकार भंडारण भी नहीं दे सकती, इतने साल सरकार ने क्या किया, हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें मेट्रो ट्रेन चाहिए, या हमें वो माल ढोने के लिए ट्रेन चाहिए, वो देखिए नासिक से बिहार ट्रेन चल रही है तो लगातार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सब जा रहे हैं, ऐसी ट्रेनें पूरे देश में क्यों नहीं चल रही है, नासिक से क्यों चल रही है बिहार तक, बाकी देश में एग्रीकल्चर नहीं होता, वहां का क्यों ट्रेनों पे ज्यादा काम किया गया, क्यों हम बुलेट ट्रेन के लिए मरे जा रहे हैं, क्यों हम मेट्रो के लिए मरे जा रहे हैं, पूरे विश्व में कौन सा देश है जहां मेट्रो प्रॉफिट में है, कौन सी मेट्रो प्रॉफिट में, कह दे एक हांगकांग की मेट्रो प्रॉफिट में है मात्र, वो भी इसलिए प्रॉफिट में है कि उन्होंने स्टेशन का जो रियल इस्टेट के बारे में उपयोग किया, स्टेशन की एरिया किराए पे दे दी मॉल्स पे और बाकी जगह पे, हांगकांग में जगह की बहुत कमी है तो जो रेंटल आता है वो ज्यादा है इसलिए आप प्रॉफिट में है, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आज भी ज्यादा है और टिकटों से जो मिलता है वो नहीं के बराबर है,
बताइए क्यों मेट्रो चाहिए आपको? नागपुर में मेट्रो बहुत, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं नागपुर से आता हूँ, विदर्भ से हूँ। नागपुर की जो मेट्रो चल रही है उसमें 8 या 10 लोग भी नहीं बैठे मिलते। क्यों मेट्रो चलाई आपने? सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पे भी मेट्रो है। ये दिखावटपना या हम ये जो कॉस्मेटिक्स है इसमें कब तक काम करते रहेंगे? इसी काम करने के चक्कर में आज देश आजाद हो के आज 72वां प्रजातंत्र दिन, जो 72वां रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं, पर आज भी हमारा किसान बिजली के लिए, पानी के लिए, भंडारण के लिए, बीज के लिए और अपने माल की कीमत के लिए रो रहा है। तो फिर 72 साल ने हमने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं तो हमने भला किसका किया? यदि इसकी देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे है तो फिर हमने भला किसका किया? ये सवाल उठता है। 72 साल हो गए, आज भी क्यों भंडारण के लिए रोते हैं? विश्व में सबसे 2 नंबर पे हम वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, लेकिन हमारे यहां 60% वेस्टेज जाता है। 72 साल में हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, मंगल यान पे इतराते हैं हम, राफेल लाते हैं तो इतराते हैं हम, लेकिन किसानों के आत्महत्या पे क्यों नहीं हम उतना ही दुख मनाते जितने हम मंगल यान पे इतराते हैं? जरूरत क्या है? हम हमारे देश के लिए जी रहे हैं कि हम विश्व में हम क्या है ये बताने के लिए जी रहे हैं? अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकले और घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऐसी स्थिति इस देश की है। कहीं ना कहीं इस देश को अब अपने अंदर झांकना होगा। इस देश में 135 करोड़ लोग हैं, उनके लिए चिंता करना होगा। हमारी इमेज विदेश में क्या है इसकी चिंता नहीं करें। विदेश वालों ने बोला भारत बहुत अच्छा है तो आत्महत्या कम नहीं होगी। कल भी आत्महत्या हुई है, पिछले सप्ताह भी आत्महत्या हुई। मूर्ख है लोग आत्महत्या कर रहे। प्रश्न ये है कि आपने क्या 72 साल में भी आप इन बेसिक इश्यूज को एड्रेस कर पाए? सवाल वो है। वेंकटेश जी, अशोक जी ने अभी नागपुर का, विदर्भ का उदाहरण दिया और कुल मिलाकर के किसानों की दयनीय स्थिति की बात कही। आपका इन, चूंकि बीच में आप इंटरनेट, मतलब आपका इंटरनेट गड़बड़ हो गया था, मेरा ख्याल है अब शायद ठीक हो गया होगा, आपकी आवाज आएगी, तो आप सारे सवालों के ऊपर जो आपकी राय है वो एक बार बता दीजिए। मुझे लगता है कि इसकी जो जड़ रही है ये रही है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में ये जो 3 कानून पास किए उसके पहले कंसल्टेशंस प्रोसेस शुरू नहीं की। एक तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो दिखावे के लिए नहीं होती है, जहां बात होती है उसकी, नहीं तो सिलेक्ट कमेटी होती है, किसानों के संगठन है, आप उनको लगा कि हमारे पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी से हम काम करेंगे। जब नहीं चला तो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर दिया कि आप आर्बिट्रेटर की भूमिका कीजिए। आर्बिट्रेशन आप तब कर सकते हैं जब दोनों पार्टियां आपके पक्ष में है, लेकिन यहाँ किसान और सरकार इन दोनों के अंदर झगड़ा है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉम द डे वन, एक तो उन्होंने वॉइस वोट पास करवा दी, उसके बाद कंसल्टेशन नहीं है। मोदी सरकार के पास में या बीजेपी में अपोजिशन के साथ में डायलॉग करने वाला कोई इंटरलॉक्यूटर नहीं है। मोदी जी का दिल्ली पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, जो उनके ऊपर अटैक करते हैं उनको गैंग कहते हैं, चाहे खान मार्केट गैंग हो, चाहे गुपकर गैंग हो, चाहे और कोई गैंग हो, उनकी भाषा ही गैंग की होती है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स की नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये डिफिशिट तो होना ही होना था। विपक्ष, विपक्ष के पास क्या करते हैं, उनके पास में सेम होता है, गवर्नमेंट के पास में वे होता है, तो उनको बोलने दीजिए चाहिए था। लेकिन कहा कि आप वेल में आए, वेल में आए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहे थे? आप दूसरे दिन हाउस बुला सकते थे, 2 घंटे के बाद में बुला सकते थे। आप खुद स्वयं एमपी रहे हैं, ये बातें नई नहीं है। तो ये बातें होती है, कंसल्टेशन होता है, मेजोरिटी का मतलब इससे ज्यादा तो राजीव गांधी पे थी, 415 उनके पास एमपी, लेकिन बोफोर्स में लग रही थी कि एकदम वो कैसी उनके हाल हुए आपने देखा है। तो मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब आप देश के मालिक तो नहीं होते। मोदी यहां मार रहे और मोदी जी की मात्र संस्था है आरएसएस, उन्होंने वो कुछ नहीं कहा। अभी अभी कुछ दिन पहले भैया जी जोशी ने कहा था, तो इनके पास भी इंटरलॉक्यूटर नहीं है, इनके पास बात करने वाले नहीं है, या करना नहीं चाहते।
आप इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है किसानों से है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप वो समझ में नहीं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर कमेटी की, उसी दिन उसका उसका खत्म हुआ हो, कोई उसके लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। मान साहब ने उससे इस्तीफा दे दिया। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये मोदी सरकार ये सॉल्व करना चाहती है कि उनको थकाना चाहती है। अब ये थकेंगे नहीं, क्योंकि दो महीने बैठ गए, 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। अब वो इस बीच में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो स्टेज तो निकल गई है। अब उन्होंने कहा कि आज तो हम रिपब्लिक डे है, आज हम ट्राइकलर लेके मार्च करेंगे, 1 तारीख को पार्लियामेंट पे हम जाएंगे वहां बजट के दिन। तो बजट सेशन कैसा होगा इसकी झांकी 1 तारीख को पता चलेगा। अब ये मोदी जी किस तरीके से करेंगे ये पता नहीं है। इंटरनेशनल बना है, देखिए पंजाब का इश्यू इंटरनेशनल है। अब ऐसा हो रहा है कि किसान पीछे रहे, सिख वर्सेस दिल्ली ऐसी फाइट होने जा रही है। एक कम्युनिटी को एंटागोनाइज करे, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी अपनी ताकत पे देश का समर्थन ये बिल के पीछे नहीं ला पा रहे हो, फंस गए मोदी जी, फंस गए इसके अंदर। आप दोनों से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज जो किसानों के साथ पुलिस ने किया, इसमें आप लोग किसका दोष देखते हैं, किसानों का देखते हैं या पुलिस का देखते हैं या सरकार का देखते हैं जो किसानों को बदनाम करना चाहती है? अशोक जी, नहीं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा किसानों का भी दोष, इसमें थोड़ा सा किसानों का भी दोष है। दोष इसलिए है कि ये किसान गाजीपुर बॉर्डर से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है। मैंने जैसा कहा आपको, उत्तर प्रदेश से एंट्री होगी और वो लाल किला जाना चाहता था। जबकि जो संगठन, किसान संगठनों का जो लगातार बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, प्रशासन ने उनको एक आउटर दिल्ली का एक रूट दे दिया है 100 किलोमीटर का, और उस पर रैली चलनी थी, वो शांतितापूर्ण चलनी थी और वो चल रही है। उस रैली में कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ वो यूपी वाले एंट्री से हो गई। यूपी वाले एंट्री से जब बैरिकेड्स लगाए पुलिस ने और कहा कि ये रूट आपका नहीं है, इस रूट से आप नहीं जा सकते, आपको अलग रूट है, पुलिस किसानों ने तब ये बैरिकेड तोड़े। और जब तोड़ने के बाद जब लाठीचार्ज और आंसू गैस हो गया, उसके बाद फिर किसानों की तरफ से पथराव, ट्रैक्टरों से ट्रैक्टर घुसाड़े गए बीच में, कुचलने का प्रयास, वो तो जो वो फिर कोई सोची समझी साजिश नहीं होती, वो जिसके हाथ में जब जो चीज लगती है वो हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवाद की स्थिति नहीं रही है। उत्तर प्रदेश से जो किसान आ रहे थे उनके और ये जो किसान बैठे थे पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, इन पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान है, तो उत्तर प्रदेश से जो किसान आया और उसको यहाँ तक आने दिया और उसके बाद वो हिंसक हुआ, तो इसमें ये पूरे किसान का आंदोलन को हिंसा का एक कालीमा लगाने का भी प्रयास यदि किसी से किया जा रहा होगा, जैसे वो कहते अदृश्य ताकत, में अदृश्य ताकत तो नहीं कहती हूँ, मैं कहता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, तो योगी जी जैसे ताकतवर मुख्यमंत्री है, वो किसान यहाँ तक आए कैसे? और यदि फिर आए तो वो हिंसक हो गए, तो क्या सरकार ने उनको हिंसक होने के लिए पीछे से समर्थन दिया, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये हो रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि किसान का आंदोलन टूटे। सबको पता है कि जब तक अहिंसा से चल रहा है ये आंदोलन, पूरे देश, पूरा विश्व सर आंखों पे ले रहा है। जिस दिन इसमें हिंसा भड़केगी, इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, तो ये आंदोलन की दिशा बदल जाएगी, फिर ये 3 कानून साइड पे रह जाएंगे। हिंसा जो हुई है उसको लेके इंक्वायरी कमीशन ऑर्डर, ये वो कर्फ्यू, ये तमाम चीजें होगी। तो क्या ये फोकस चेंज होने की बात होती है, जैसे अक्सर ये सरकार करती है, मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकारों का, तो ये 2014 से हमने होते हुए देखा है, इसलिए ये हो, यदि ऐसा हो रहा होगा तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो तय रूट था, जो तय संगठन थे, उसके तहत जो रैली निकली है 26 जनवरी की, जो परेड किसान ने निकाली थी, और जय जवान और जय किसान का जो नारा शास्त्री जी ने दिया था, उसको सार्थक करने का प्रयास था कि जनपद पे यदि भारतीय सैन्य की ताकत दिखती है, तो इस देश का किसान अपनी ताकत अच्छे प्रारूप में भारत माता की जय बोलते हुए वो उस 100 किलोमीटर के पेरीफेरी में अपनी रैली निकाल रहा था। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे होने वाला ये अनशेड्यूल्ड कार्यक्रम था, ये क्यों हुआ, इसके ऊपर सही में आपको इंक्वायरी करनी होगी प्रशासन को, क्योंकि आप क्या है, करने वाले भी वो, करवाने वाले भी वो, इंक्वायरी भी वो, सजा देने वाले भी वो, जब सभी रोल में एक ही लोग आ गए हैं, तो इससे आपको कोई और इच्छा हो नहीं सकती। और मुझे मालूम है कि अभी तक वो किसान की जो 100 किलोमीटर की जो रैली थी, उसको किसी चैनल ने कहीं नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया कि वो किसी शांतिपूर्ण जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हिंसा का है,
वो तमाम चैनल उसको प्रायोरिटी से दिखा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि देखो किसान कैसे पुलिस को कुचल रहे हैं, देखो किसान कैसे पत्थर मार रहे हैं, देखो किसान कितना गलत काम कर रहा है, फिर बाद में इन किसानों को आतंकवादी घोषित करने में बहुत इजी होगा। ये कुछ ना कुछ मुझे इसमें एक बू आ रही है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहां शांतता प्रिय चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। कल इतना महाराष्ट्र में हुआ, नासिक से लोग आए, शांतता प्रिय हुआ, वहां कोई हिंसक नहीं हुई, वो बिल्कुल शांततापूर्ण। ये बात अलग है कि अब कांग्रेस के नेता इसको कैश करने का प्रयास कर रहे हैं। कल शरद पवार बोल रहे थे, मुझे हास्यास्पद लग रहा था, शरद पवार कह रहे थे कि नैतिकता नहीं है गवर्नर को और ये है वो है। नैतिकता तो इन लोगों के पास नहीं है। उस महाराष्ट्र में लगातार आजादी के बाद 10 साल यदि छोड़ दिए तो लगातार यही लोग सत्ता में थे, चाहे किसी अलग संगठन के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो। जो लोग लगातार सत्ता भोग रहे हैं पिछले 70 सालों में, 65 साल जिसने सत्ता भोगी, वो अपने आप को किसान की बदहाली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। इन 10 सालों में ही किसानों की बदहाली नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मैं यदि वो 70,000 करोड़ का जो गबन हुआ उसमें जो चार्जशीट पर जो लोग आए वो किस किस पॉलिटिकल पार्टी के थे, यदि ये देखा जाए तो इन लोगों को वाकई कोई अधिकार नहीं है बोलने के लिए ये मत करो या वो मत करो। तो सवाल यह है कि आज नैतिकता किसी के पास नहीं है। किसानों का सबने शोषण किया है। जब किसान संगठित होता है तो इन संगठित किसानों पे बिल्कुल जैसे वो खजाने पे सांप बैठता है, वैसे ये सब नेता, आप कांग्रेसी हो, शरद पवार हो या थोरात हो, ये सब लोग जाके उस आंदोलन को वाही वाही लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसान ढूंढ रहे, अच्छी तरह से जानते हैं, कम से कम पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे ये सांसद चले गए थे कांग्रेस के, वहां पे लोगों ने वहां से भगा दिया उनको कि आप कांग्रेस के सांसद हो, उधर जाइए, आपकी जरूरत नहीं यहाँ पे, हमारी किसान नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे जो चल रहा है उसको फोकस करने की जरूरत है। यूपी वाला ये जो ये है, ये असल में यूपी के भी किसान वेंकटेश जी बागपत की तरफ से आए थे और वहां से अगर वो 2:30-1 बजे चले होंगे, रास्ते में इतने बैरिकेड हैं, रात में जांच होती है, किसी ने सरकार को खबर नहीं दी कि इतने ट्रैक्टर वहां से निकले हैं या इतने किसान में भरे हुए आ रहे हैं। पुलिस को कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने पुलिस को एक तरफ किया, बैरिकेड को तोड़ा और अंदर घुसाए। तो इसका मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम है या इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, एक। और दूसरी चीज जो अशोक जी ने जो कहा वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, इन्हें ये नहीं समझ में आया कि अगर इन्हें किसानों का समर्थन करना है तो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पार्टी की रैली निकाले किसानों के समर्थन में, वो नहीं किया। वो किसानों की भीड़ में जाकर के या किसानों के आंदोलन के बीच में जाकर के पांचवा सवार बनने की कोशिश की, जैसे वो एक जानवर चलता है ना गाड़ी के नीचे, उसको लगता है मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं। तो ये इस तरीके का मनोविज्ञान विपक्षी दलों का हो गया है। इस सारी चीज में देश के सवाल कहीं खोते जा रहे हैं या किसानों के सवाल उलझाने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है, सरकार तो कर ही रही है। इन इन ये जो सोच है, जो आज मुझे किसी ने फोन किया था, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या था संतोष जी? एक सेंटेंस में कहना है तो ये तो होना ही था, क्योंकि 6 दिसंबर को उन्होंने हलफनामा दिया था, 6 दिसंबर 1992, कि हमारे कार सेवा शांततापूर्ण हो गया और ढांचा गिराया। ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं किस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था कि कुछ नहीं होगा और सब दुनिया के सामने कर दिया। जो मीडिया वाले गए उनको पीटना शुरू कर दिया कि आप क्यों दिखा रहे हैं। तो ये इनको पुरानी आदत है ये। और देखो वेस्टर्न यूपी में क्या हुआ है कि जो बीजेपी को ताकत मिली है वो कम्युनल पोलराइजेशन से मिली है, एक बात। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह का वो गढ़ रहा है, वो जाट है, वो महाराष्ट्र के किसान नहीं है, मिलिटेंट है। रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन में ये लोग, ये तत्व भी घुसे होंगे। आप ये इशू आगे निकल चुका है, ये इशू इसलिए आगे निकल चुका है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी वायलेंट होने दो, अब ये पीछे होगा नहीं है। इन्होंने उनको खलिस्तान, उसके बाद में दंगा फसाद की क्या बात होगी है। तो ये ज्यादा चिपके नहीं, एक दिन दो दिन के लिए खबर है, टीवी चैनल के लिए रात का डिस्कशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये लोगों में गया है, तो लॉ एंड ऑर्डर करके ये आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते। इश्यू जिंदा रहेगा, पार्लियामेंट चलेगी और पार्लियामेंट में ये विपक्ष उठाएगा। अब ऐसा है कि ये इसके पहले किन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या नहीं किया था, अब वो बहस की बात नहीं है।
अभी सबसे बड़ा सवाल है मोदी जी इसको कैसा हैंडल करेंगे, इसको उसके सामने सरेंडर होंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि क्या करेंगे? 60 दिन हुए और दिन चलेंगे, कोरोना में हुआ है, एजुकेशन कोरोना में हुआ है, जब लोग बोलते हैं कि मुख पट्टी बांधिए, मास्क बांधिए, 2 गज दूरी जरूरी है, उसके बावजूद अगर किसान आते हैं तो कफन पहन के आए, वो कफन लगा के आए है, आर नहीं तो पार की लड़ाई है ये, तो ये मोदी जी कुछ भी करे उसको या सरकार कुछ भी करे लेकिन वो रुकेगा नहीं है। मैं आखिरी सवाल आप दोनों से पूछता हूँ, सवाल क्या पूछता हूँ, आपकी राय चाहता हूँ कि जिस तरह से आज लोग आए, ये तो तय है कि बॉर्डर पे 4-5 लाख लोग हैं और आज भी करीब 1 लाख के आसपास लोग दिल्ली में घूम रहे हैं जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं। पहला सवाल तो ये कि ये सवाल अब महाराष्ट्र या हरियाणा या राजस्थान ये इसका पंजाब का नहीं रहा, अब ये देश के किसानों का सवाल हो गया है, आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। क्या लग रहा है अशोक जी कि 1 फरवरी को संसद मार्च जो पैदल होगा जिसमें एक भी वाहन नहीं होगा, कितने लोगों का आप अनुमान लगा रहे हैं कि वो हर जगह से अपने आप चल करके आएंगे और इस सवाल के ऊपर बाकी किसान भाइयों को साथ देंगे? नहीं, मैं इसमें केसरी जी की बात मानता हूँ कि अब ये हिंसा विंसा 2 दिन वाकई इसका डिस्कशन चलेगा, लेकिन अब इस आंदोलन को ये कालिमा नहीं लगा सकती, या उसको बदनाम करने का प्रयास भी किया तो बदनाम नहीं हो सकता। इसका मैं उल्टा देखता हूँ, जो हिंसा दिल्ली में हुई है और ये जो टेलीविजन बार बार दिखाते हैं, तो पूरे देश में जो किसान अभी तक सिर्फ गाँव में था वो इकट्ठा होना शुरू कर देगा, क्योंकि उनको एक समझ में आ गया कि हमारे लिए कोई जो लड़ रहा है, यदि उनको पुलिस कुचल रही है, पुलिस उसको मार रही है, लाठीचार्ज कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं अब हमको भी संगठित होना होगा। और जो लोग गांव में हैं वो यदि संगठित होना होगा शुरू हो गए, तो हर जिले पे, हर गांव में, हर तहसील में ये एक उपद्रव होगा जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है, यदि किसान शांत प्रिय रूप से मार्च करना चाहता है तो महात्मा गांधी का देश है भाई साहब, महात्मा गांधी को दांडी यात्रा के लिए भी अंग्रेज नहीं रोक पाए तो हमारे यहाँ किसानों को क्यों रोक पाएंगे कोई? और वो तो सिर्फ आके जवाब पूछ रहे, अपनी मांगे मांग रहे, कोई हिंसक तो नहीं हो रहे, किसी को बंधक तो नहीं बना रहे, वो सिर्फ एक शांतता प्रिय मार्च करते हुए आना चाहते। तो कल का बजट जो 1 तारीख का है वो बहुत, मतलब बजट की से ज्यादा चर्चा इस आंदोलन की होगी ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात, सरकार को कहीं ना कहीं, इसके पहले भी सरकार ने काम किया है, लैंड एक्विजिशन का जो एक बिल था वो बिल यूनैनिमसली पास हो गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने उसमें अमेंड करके कुछ अध्यादेश निकाले, पहला अध्यादेश, दूसरा अध्यादेश, तीसरा अध्यादेश, फिर उसके बाद वो विड्रॉ किया, विड्रॉ हुआ है ऐसी नहीं है, और वो भी किसानों से रिलेटेड ही था, लैंड एक्विजिशन वो किसानों को रिलेटेड ही था, ये भी किसानों को रिलेटेड। कम से कम इस सरकार को एक देखना चाहिए कि इस देश में चाहे किसान हो या मजदूर हो या कोई भी हो, यदि किसी के बारे में भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो कम से कम उनके संगठनों को, उन लोगों को विश्वास में लिया जाए। अपनी मेजोरिटी के ऊपर यदि मदमस्त हाथी के रूप में आप चलोगे तो अपने यहाँ पागल हाथी को गोली भी मारते हैं लोग, मतलब गोली मारने का मतलब प्रजातंत्र में कोई हिंसा नहीं है, गोली मारने का मतलब है 5 साल में एक बार बटन दबा के आपको फिर घर भी बिठाया जाता है। इंदिरा गांधी ने पराजय झेली है जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझती थी, पराजय किसी की भी हो सकती है और हमने ऐसे कई उलट पुलट होते हुए देखे हैं। हमारे यहाँ क्रांतियां हुई हैं, क्रांति के बाद लोग आए, वो गए, फिर लोग आए, फिर गए, लेकिन यह प्रजातंत्र चल रहा है, ये जनतंत्र है, जब तक जनता की विश्वास लेके आप काम नहीं करोगे और यदि खुले सांड के जैसा रहोगे तो नकेल तो कोई ना कोई डालेगा, क्योंकि आप कितने भी ज्यादा हो तो भी आप 135 करोड़ नहीं हो सकते। सुनने में ये भी आया है कि मजदूर भी संगठित हो रहा है, क्योंकि कुछ मजदूरों के भी कानून ऐसे ही पारित हुए हैं जिसके लिए मजदूर आहत है, बैंक वाले ऑलरेडी परेशान है एमलगेमेशन ऑफ बैंक से, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर आंदोलित नहीं है। तो सरकार को अब ज्यादा आंदोलन देखने हैं कि इस आंदोलन में सरकार की नाक रख के अपना इस आंदोलन के चलते इस देश को डिरेल करना है, ये सरकार तय करे। मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, पार्लियामेंट वापस लेगी और इसको एक डब्बे में डाल देगी कि भी आने वाले 5-6 साल बाद हम इसको फिर से प्रयास करेंगे इसको करने का, ऐसा करके ये इशू खत्म हो सकता है। और यदि ये इशू खत्म हो गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
ये जो किसान आज अपने मांग मंगवाने के लिए यहाँ खड़ा है, 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख जो भी इनकी तादाद है, ये कल मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी वापस जाएगा, क्योंकि उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं, उसे ना मोदी से दुश्मनी है, मोदी जी से ना कांग्रेस से प्रेम है, ना किसी से प्रेम है, उन्हें इन तीन कानूनों से नफरत है, वो चाहते ये तीन कानून वापस हो जाए। यदि इस सरकार ने कानून वापस किए तो इसी सरकार को तर आंखों पे बिठाने के लिए ये लोग तैयार है। अभी भी स्थिति बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिर हमारे आकाओं को ये समझना होगा, यदि आप 300 प्लस के मेजोरिटी के ऊपर इतने इतराने लगे हैं कि आपके कान बधिर हो गए हैं, आपका मस्तिष्क बधिर हो गया है, चल रही है सिर्फ जबान, और वो भी अपने मन के हिसाब से, खुद के मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात करनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। वेंकटेश, कैसे हैं? 2-3 तथ्य इस बीच में और एस्टेब्लिश हुए हैं। तो किसानों ने कहा है कि हम 5 साल यहाँ रुकने को तैयार हैं, अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो 5 साल ले ले फैसला करने के लिए, लेकिन हम यहीं रहेंगे। एक दूसरा, किसानों ने कहा कि हम 10,000 लोग भी मरने को तैयार हैं, अभी तो खाली हम 100 के आसपास हैं या 100 गए हैं, हमारे यहाँ हर जगह तैयारी है जान देने की। इन दो तथ्यों की रोशनी में पहली तारीख का दिन आप कैसा देखते हैं, 1 फरवरी का? पहली फरवरी में कुछ भी हो सकता है, बीजेपी की भाषा में कहे तो ये अभी तो ये अंगड़ा ही है, आगे और लड़ाई है। तो ये अगर उन्होंने 26 जनवरी को ये कर दिया तो 1 फरवरी रहेगा, उसके बाद में एजिटेशन का माहौल बढ़ता रहेगा, दायरा बढ़ता रहेगा। वो एक ही है कि मोदी जी सरेंडर होंगे क्या किसानों के सामने? वो सरेंडर नहीं होंगे, ना होंगे ना वो अमित शाह होंगे। तो उसके अंदर अपोजिशन को स्पेस मिला है, अपोजिशन कितना एक्सप्लॉइट करेंगे इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसा मोदी जी किसान नेता नहीं है, वैसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी किसान नेता नहीं है, जो किसान नेता है वो आ जाएंगे। इसकी पहली कैजुअलिटी हरियाणा की सरकार गिरने में होगी। चौटाला को जो जननायक जनता पार्टी के चौटाला है, उनको अपने विधायक को साथ में रखने के बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तो वो सरकार जाएगी, वहां अकाली दल और कांग्रेस पंजाब में बीजेपी को आने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है तो अखिलेश यादव इसका एक्सप्लॉइट करने की बात करेंगे। तो एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी है, तीसरी तरफ बिहार में भी मोदी जी कॉम्प्रोमाइज करना करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़ा सवाल है। इसे अंदर भारत की राजनीति चलेगी, आप उसको क्या होगा कैसा होगा इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन ये अगर बढ़ गया तो फिर रोना दिक्कत हो जाएगा, ये क्योंकि कोरोना है, इकोनॉमी है, उसके बाद में फिर टीवी चैनल को तो वैसे भी क्रेडिबिलिटी है क्योंकि गोदी मीडिया बोल रहे हो। हाँ, तो वो जो उनके सवाल होते हैं बीजेपी के सवाल होते हैं, निष्पक्ष तो वो सब पूछते नहीं है। तो ये आने में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो होगा वो सरकार के फेवर में नहीं होगा। मैं आप दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और देश के लोगों से बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि सही पत्रकारिता का उदाहरण आज की बातचीत में आपको मिला, वेंकटेश केसरी जी और अशोक पांडे की बातचीत में। मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जो संवाद के क्षेत्र में काम करने वाले लोग किसानों के समर्थक नहीं है, मुझे लगता है वो कहीं विदेश से प्रेरणा लेते हैं और मैं उनको देशद्रोही पत्रकार कहता हूँ, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है। आप किसी नेता का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप किसान एज ए सच, आप उन्हें अराजकतावादी कह दें, आप उन्हें उद्दंड कह दें, आप उन्हें हठी कह दें, ये भाषा अगर मीडिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो हमारे देश में पाकिस्तान का या चीन का प्रचार कर रहे हैं, अपने देश के लोगों के चेहरे के ऊपर कालिख मल करके। और जिसका उदाहरण अभी अशोक जी ने उदाहरण दिया पुलवामा का और बालाकोट का, तो ऐसे ही पत्रकार इस समय एक तरीके से शेर की खाल ओढ़ के भेड़िया सामने घूम रहा है। अब उसने पहली बार अपनी भाषा में बोलना शुरू किया, कहानी है ना कि वो रंगा सियार,
वो शेर बन गया था नीव, उसमें नीले पानी में गिर करके, और कहने लगा मैं ही जंगल का राजा हूं। तो अब पहली बार इन गीदड़ों ने या इन सियारों ने भाषा बोलनी शुरू की है हमारे बीच के लोगों ने। मैं उन्हीं को कह सकता हूं, मैं राजनीति के लोगों को उस तरह से कह नहीं सकता, पर अपने बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को बरगलाने की, भड़काने की और गलत बात की वकालत करने की सीमाएं तोड़ दी हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि अशोक वानखेड़े और वेंकटेश केसरी जैसे लोग अभी हिंदुस्तान में जिंदा हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि सरदारों में कहावत है, 1,25,000 से एक एक को मैं 1,25,000 से लड़ा सकता हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं जो सारी पत्रकारिता को पत्रकारिता सिखाते हैं, और इसके लिए मैं देश के लोगों को, और इनके जैसे कम से कम 125-150 पत्रकार हैं जो जहां खड़े होते हैं, पूरे मीडिया को आंखें नीची करनी पड़ती है, उस मीडिया को जो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ, देश के हित के खिलाफ, किसानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल मेरा आग्रह है कि अपने बीच में तो अभी उठता ही रहेगा, मुझे नहीं पता ये कब हल होगा, लेकिन जहां भी आप जाएं, जिस तरह से आप कहते हैं, मैं आपका मित्र हूं, थोड़ा सा सीनियर हूं, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि ऐसे लोग इस पत्रकारिता में पत्रकारिता का झंडा खड़े। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।